अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आए हैं फाउंटेन ब्रिज स्क्वायर। ये एडिनबरा में बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कनाल है। तो मैं आपको आज ये वीडियो दिखाऊंगी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो थोड़ी थोड़ी सी विंडी भी है और साथ धूप भी है, अच्छा मौसम है। कल यहाँ पे काफ़ी यानी कि हैवी किस्म की विंडी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग विंडी थी कल। आज थोड़ी सी लेकिन फिर भी है कल से बेहतर। तो हम अब जाएंगे इस साइड पे, ये सारा कनाल व्यू है, इज़ सो ब्यूटीफुल। इसके अंदर बोट्स भी खड़े हैं जो कि लोगों के हैं और लोग रहते भी हैं अंदर, यानी कि जो आते हैं हॉलीडेज पे या दूसरी जगह से, वो यहाँ अंदर रहते भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी थी, हम एक दिन पहले आए थे लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उस दिन मौसम नहीं ठीक था। लेकिन आज माशाल्लाह से धूप भी है और हल्की हल्की सी विंडी भी है, लेकिन अच्छा है मौसम माशाल्लाह। ये देखेंगे बोट्स, इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े बोट हैं और ये किनारे जाती है ग्लासगो। हम उस दिन आए थे तो हमने पूछा था, क्योंकि इसके अंदर हमने एक बोट देखा था चल रहा था, तो फिर वहाँ हमने किसी से पूछा तो वो कहती हैं ये कनाल ग्लासगो जाती है। तो अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन है, आप बताइएगा जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे कहते हैं कि नेक्स्ट वीक आई थिंक थोड़ा सा नरमी होगी लॉकडाउन में, लेकिन अभी तक लॉकडाउन ही है। लेकिन लोग अब बाहर आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हमें नज़र आए। तो स्कूल तो यहाँ पे ओपन है, पाकिस्तान में सुना स्कूल बंद हो गए हैं फिर से, लेकिन यहाँ पे लास्ट वीक ओपन हुए हैं स्कूल। मेरा बेटा भी स्कूल जा रहा है, हम इसको सुबह स्कूल छोड़ के तो हम आए यहाँ पे वॉक करने। तो बन के चले आपके साथ ये खूबसूरत सी कनाल आपको दिखाती हूँ, और खूबसूरत सनी डे माशाल्लाह। फ्लैट भी हैं, लोग रहते भी हैं दूसरी साइड पे। इस साइड पे लेक है और उस साइड पे लोग रहते भी हैं। विंडी थोड़ी सी ज़्यादा है इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ये पानी है ना, शायद इसकी वजह से विंडी ज़्यादा खड़ी हो रही है, लेकिन उस साइड पे विंडी नहीं थी। तो ये कनाल काफ़ी लॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको बताया है एडिनबरा से ग्लासगो जा सकते हैं यहाँ पे। तो उस साइड पे बाइसाइकल्स भी हैं, जो लोग साइकिल हायर करके यहाँ चलाना चाहें, जो लोग पसंद करते हैं मौसम अच्छा हो तो बाइसाइकिल में बहुत अच्छी है यहाँ पे, यानी कि आप चला सकते हैं। आप यहाँ से ग्लासगो जाएँ, जो लोग बाइसाइकिल ज़्यादा पसंद करते हैं चलानी, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, यानी कि बहुत खूबसूरत है, फ्रेश बहुत है यहाँ पर, पोल्यूशन कम है इस साइड पर, वेरी फ्रेश। तो ये है, इसका नाम है यूनियन कनाल, ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू दी यूनियन कनाल। तो इस जगह का नाम है यूनियन कनाल। तो ये देखें, ये कनाल पे किसी ने छोटी सी कैफ़े बनाई हुई है बोट के अंदर, जो कि ओपन है। आप यहाँ से टी, कॉफ़ी, पानी, ड्रिंक कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इस साइड पे ब्रिज है, तो ये जो यहाँ पे बोट खड़े हैं, इन्होंने जब कनाल से बाहर जाना होता है तो ये ब्रिज ओपन होती है। तो अभी तो ये बंद है, लेकिन यूजुअली ये ओपन होती है, और यहाँ से बोट जब बाहर जाती हैं तो ये ओपन होती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, लेकिन आजकल ये बंद है।
तो ये अब हम मैं जो नीचे से ब्रिज दिखा रही थी, अब हम उसके ऊपर आए हैं। तो ये देखें ये ऊपर का व्यू, ये जो कैफ़े है वहाँ से देखें लोग कॉफ़ी बाय भी कर रहे हैं। और वेदर भी माशाल्लाह, आज मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, साथ थोड़ी सी विंडी है लेकिन अच्छा है, नाइस है माशाल्लाह। ये ब्रिज का व्यू है, अब हम दूसरी साइड पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये छोटा सा मैप है यहाँ पे, जो कि आपको सारी डायरेक्शन बता रही है आपने ग्लासगो टू एडिनबरा कैसे जाना है और एडिनबरा टू ग्लासगो कैसे आना है। उस दिन हम आए थे तो बोट जा रहा था ग्लासगो, हमने छोटा सा देखा था, लेकिन आज अभी टू अर्ली है, आई थिंक 9 AM है, तो मौसम अच्छा है, शायद अभी कोई जाए बोट। जॉगिंग के लिए इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है, साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये सिटी में है, ये नहीं है कि आउट ऑफ सिटी है, सिटी के अंदर है, लेकिन इज सो ब्यूटीफुल। क्लाउड भी देखे नहीं है आज, क्लियर है, थोड़े थोड़े से क्लाउड है। ब्रिज है, अब हम ब्रिज के नीचे से गुजर के उस साइड पे जाएंगे। इस साइड पे है कनाल, तो ये देखिए उस साइड पे है शॉपिंग सेंटर, सिनेमा है, बर्गर किंग, अपनी हलाल शॉप भी है पाकिस्तानी, आजकल बंद है सारी शॉप्स, लेकिन उस साइड पे सारा शॉपिंग सेंटर है। इस साइड पे ये फ्लैट जो मैंने आपको दिखाए हैं और इस साइड पे कनाल, और ये विदन वॉकिंग में है सारा। आप यहाँ से कैसल यानी के कार्ल्टन हिल, आर्थर सीट, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं बाय वॉक। तो ये देखें ये जो फ्लैट्स हैं इनको ये पार्क के अंदर फैसिलिटीज दी गई हैं एक्सरसाइज करने की, जैसे कि आप देख सकते हैं एक लेडी कर रही है एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छी है यानी कि फैसिलिटीज एक्सरसाइज की यहाँ पे। आप अंदर से निकलें यहाँ आके, फ्री में एक्सरसाइज करें, घर चले जाएं। तो आज की मेरी वीडियो बस यही तक थी, आई होप आपको अच्छी लगेगी आज की मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।